हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आरती सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। ऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट है क्वार्टर एंडेड का, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी पेश किया, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की बात करें तो लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। और पहले कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे। इनकम है 143.9 करोड़ का, मार्च 24 में 158.5 करोड़ का, और जून 23 में 148.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 140.5 करोड़ का, मार्च 24 में 151.8 करोड़ का, और जून 23 में 141 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी डिक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग। इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.3 करोड़ का, मार्च 24 में 6.7 करोड़ का, और जून 23 में 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है 2.2 करोड़ का, मार्च 24 में 4.6 करोड़ का, जून 23 में 5.2 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। ईपीएस 2.62 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन हुआ है। तो गाइस, कॉन्सोलिडेटेड में कंपनी का इनकम ही नहीं बल्कि प्रॉफिट भी बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम स्टैंडलॉन, यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन है 7.06% का, प्रॉफिट मार्जिन 1.63% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। अगर हम स्टैंडलॉन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है कंपनी का 143.9 करोड़ का, मार्च 24 में 158.5 करोड़ का, और जून 23 में 148.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ है 140.4 करोड़ का, मार्च 24 में 150.8 करोड़ का, और जून 23 में 141 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.4 करोड़ का, मार्च 24 में 7.7 करोड़ का, और जून 23 में 7.5 करोड़ का, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 2.3 करोड़ का, मार्च 24 में 5.5 करोड़ का, जून 23 में 5.2 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। ईपीएस 2.75 रुपीज का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइस, नो डाउट कंपनी का चाहे स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड, नो डाउट प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से क्रैश किया है। इनकम भी गिरावट आई है, मतलब कंपनी ओवरऑल बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया है। और इसका शेयर की बात करेंगे तो 693.65 रुपीज़ पर कंपनी का शेयर कल क्लोज किया था। 2.5% का कल क्रैश किया था, क्योंकि मार्केट क्रैश था तो कंपनी का शेयर में भी क्रैश किया। 5 डे में 3.3% का लॉस है, 1 मंथ में 3.1% का लॉसेस है। और कंपनी जो है अराउंड, अगर हम बात करें तो कंपनी का शेयर जो है अराउंड 6% का करेक्शन लेता हुआ नजर आया। 9 जुलाई को हाई बनाया था, जो कि अराउंड 738.65 रुपीज़ पे, लेकिन उसके बाद से कंपनी का शेयर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और जिस तरह का रिजल्ट, और 6 मंथ से 4.8% का लॉसेस, और जिस तरह का रिजल्ट पेश किया गया, चांसेस की कंपनी और ज़्यादा फॉल हो सकता है और 674 का सपोर्ट ले सकता है। और इसलिए गाइज, क्योंकि कंपनी का जो है 27 जून को एक सपोर्ट लिया था 674 का, उसके अलावा 18 जून को भी जो है सपोर्ट लिया था, एक्चुअली 28 जून को, 18 जून को भी कंपनी इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद 7 जून के आसपास इस प्राइस पे कंपनी सपोर्ट लिया था, 10 जून के आसपास इस प्राइस पे वापस से सपोर्ट लिया था। कंपनी जो है इस प्राइस पे कई बार सपोर्ट लिया है, फिर 28 जून मई को लिया है सपोर्ट, फिर 9 मई को सपोर्ट लिया इसी प्राइस पे। इसलिए गाइज, चांसेस की कंपनी का जो शेयर है इसी प्राइस पे सपोर्ट ले सकता है। इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप इसमें भी एंट्री मत कीजिएगा। इस बहुत ज़्यादा रिस्क होगा इसमें एंट्री करना, फ्रेश एंट्री करना। और ऑलरेडी शेयर ले रखेगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप लॉस में तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और आप एवरेज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।